जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सुधीर श्रोताओं का स्वागत है। आज का जो उपाय लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, वो है मनोकामना की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति। सभी मनुष्यों की बहुत सारी कामनाएं होती है जीवन में, बहुत सारी मनोकामनाएं होती है, पर वो सारी कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हो पाती उनके जीवन में। हाँ, हमेशा सोचते रहते हैं काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। कोई हम एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं उसे पास हो जाए। नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो मनोकामना करते हैं इस जो इंटरव्यू दिया है इसमें मेरी नौकरी लग जाए। अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे, ये भी मनोकामना होती है। हर चीज की मनोकामना होती है हमारे जीवन में, हमारे मन में, पर वो मनोकामना पूर्ति नहीं हो पाती, मनोकामना वो पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे ही लोगों के लिए आज का मैं उपाय लेकर के आया हूं, और आज का जो उपाय है रामबाण उपाय है। उस उपाय को करने के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो जायज मनोकामना है, ऐसी मनोकामना है जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे, ऐसी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं ये उपाय नहीं बता रहा हूं। ऐसी मनोकामना जो आपके सुख के लिए हो, दूसरों के दुख के लिए ना हो। अगर आप इसका प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए करेंगे तो आपके ऊपर गलत असर स्वयं पड़ेगा। इसलिए आपके सुख के लिए है, आपकी जो मनोकामना है उसकी आपकी पूर्ति निश्चित होगी। ये उपाय मैंने बहुत से लोगों को बताया है, उन्होंने इस उपाय को किया है और अपने जीवन में उनको इसका बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। उपाय बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए कि जैसे आपको फायदा मिल रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, वैसे यही फायदा आप सबको पहुंचे आपके द्वारा। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और भी लोग जो अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं वो भी इसको देख करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करें। चलिए बड़े ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर सा एक सिंपल सा उपाय है। आपको करना क्या है, गुरुवार का दिन हो, गुरुवार वाले दिन आपको क्या करना है, 7 गांठें लेनी है हल्दी की, खड़ी 7 गांठें हल्दी की लेनी है और 7 गुड़ की डली लेनी है। गुड़ की भट्टियां होती है छोटी छोटी, 7 गुड़ की भट्टियां ले लीजिए और 7 गुड़ की गांठ, 7 गुड़ की भट्टियां और 7 हल्दी की गांठ और 1 सिक्का 1 रुपए का। ध्यान रखिए, 7 हल्दी की गांठें खड़ी, 7 गुड़ की डली या भट्टी छोटी छोटी और 1 रुपए का 1 सिक्का लेना है। और आपको एक पीला कपड़ा लेना है कोरा, ध्यान रखिए पीला कपड़ा लेना है कोरा। उस पीले कपड़े में आपको इस तीनों चीजों को बांध देना है और तीनों चीजों को बांधने के बाद आपको जाना है रेलवे लाइन के पास। रेलवे स्टेशन जाइए या कोई रेलवे लाइन आपके घर के पास, वहां जाइए और रेलवे लाइन के पार आपको इन सारी चीजों को, उस कपड़े को फेंक देना है। जब आप एक कपड़ा फेंकने वाले हो, आपने कपड़ा लिया और कपड़ा फेंकने वाले हैं, तभी आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को आपको मन ही मन मुंह से बोलना है। मन ही मन बोलिए या मुंह से बोलिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कपड़ा फेंकते हुए वो मनोकामना बोलिए, जब कपड़ा फेंक दें तो हाथ जोड़ करके वहां से आप अपने घर को वापस लौट सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी जो मनोकामना है, यदि वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल आपके सुख के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, तो निश्चित ही पूर्ण रूपेण वो मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, मनोकामना पूरी होकर के रहेगी। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से आप इस उपाय को करिए। ये रामबाण उपाय है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।